हेलो गाइस, दिस इज माय सेकंड वीडियो आफ्टर दैट इंट्रो वीडियो। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा कि 19 नवंबर के बाद मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि यार फैमिली फंक्शन थे एंड उसके बाद ये पढ़ाई भी करना था, क्योंकि 12 दिसंबर को एग्ज़ाम है मेरे। ठीक, तो इसके वजह से वीडियो नहीं बना पाया। अभी मैं कोशिश करूँगा रेगुलरली वीडियो बना पाऊँ। ठीक, तो अभी मैंने देखिए पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि आप कमेंट कर दो किन किन टॉपिक्स पर आपको मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट कर दो। इसलिए मैं इस शॉर्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या क्या कंटेंट होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहला कंटेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर ये रहेगा कि यार मोटिवेशन से रिलेटेड। देखो, मोटिवेशन और पर्पज होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के लिए। आप क्यों पढ़ाई करो, आप वाई शुड यू स्टडी, ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए। आप कैसे फोकस रहो, उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मोस्ट, और ये एवरेज स्टूडेंट को काफ़ी फ़र्क पड़ता है इससे। जिनका स्कोर ना 200-550 के आसपास रहता है ना, उनको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर उनको वीकली कोई मोटिवेट कर दे या फिर फोर्टनाइटली भी कोई उनको मोटिवेट कर देना, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, अच्छे से दबा के पढ़ रहे होते हैं, पर उनको क्योंकि उनके पास पर्पज़ नहीं होता, मोटिवेशन नहीं रहता, कोई उनको गाइड या सुपरवाइज नहीं कर रहा होता ना, इसलिए उनका स्कोर ड्विंडल करता जाता है। उनका स्कोर के साथ साथ उनका क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। देख लीजिए, बेसिकली आई हैव इन्वेस्टेड ऑल द पॉइंट्स जिसमें मेरे को बोलना है, तो मैं अपने डायरी से देख के बता दूँ। पहले तो मोटिवेशन हो गया, इस पर मैं इलैबोरेटली लाइक 4 to 5 या फिर आप जितना कहोगे उतने सारे वीडियोज़ में बताऊँगा, कमेंट करते रहना, बनाऊँगा। ठीक, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं की पॉइंट्स बताऊँगा किन किन चीज़ों पर मेरा ध्यान था मोटिवेशन को लेकर। ठीक, एंड देन उसके बाद वाइट स्टडी के बाद हो गया, उसके बाद व्हाट टू स्टडी। फिर देखिए, एक बार आप मोटिवेट हो गए, लॉजिकली सोचो, एक कोई मोटिवेट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, वो पढ़ने बैठेगा। ठीक, अब उसको मालूम होना चाहिए कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स। तो बेसिकली मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मेजर एंड माइनर टॉपिक्स को लेकर, एक वीडियो तो इस पर हो जाएगा। ठीक, अब जब आप पढ़ रहे हो मेजर माइनर टॉपिक्स बता, तो उसके बाद आते हैं हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट कोई एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें एक टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में बात करूँगा। सभी टॉपिक्स को कवर नहीं कर सकता, पर हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें कितने एक्सटेंड तक क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी मालूम होना बहुत जरूरी है। कि आपको पीएचडी नहीं करनी, का बेसिक एम है नीट और एम्स अभी क्रैक करना, उसके बाद आराम से आप पीजी में फोड़ के पढ़ो, जिसमें इंटरेस्ट है उसको हॉबीज़ की तरह लेके फोड़ के पढ़ो, पूरा समय रहेगा। ठीक, उसके बाद रिवीजन बिफोर टेस्ट और प्रेशर कैसे हैंडल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि काफ़ी देखिए टेस्ट में कोई भी काफ़ी सिलेबस आ रहा होता है, तो उसमें आप कैसे आप क्विकली रिवाइज करो, क्या स्ट्रैटेजी आपकी स्टार्टिंग से होनी चाहिए ताकि टेस्ट में आप इजीली रिवाइज करके मैक्सिमम गेन कर सको। ठीक, उसके बाद आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, अब टेस्ट के लिए आप रिवाइज करिए, अब टेस्ट में बैठे हो, प्रेशर हैंडल करना मैंने बता दिया, उसके बाद आप पेपर देने बैठे, अब पेपर में कैसे क्या स्ट्रैटेजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। देखिए, जो सेकंड और थर्ड ड्रॉप कर रहे होते हैं ना, या इनफैक्ट फर्स्ट ड्रॉप, कम से कम आप सेकंड 2-3 साल तो इन्वेस्ट किए हो ना पढ़ाई में। आप नहीं चाहोगे कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी आपकी पुअर होने की वजह से आपका स्कोर नीचे गिर जाए, नहीं चाहोगे तो ठीक। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर एक वीडियो होगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है पेपर एनालिसिस, ये सबसे अंडररेटेड होता है मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट, जिसकी वजह से उनका स्कोर कम होता है। पेपर एनालिसिस के बाद आता है डाउट क्लियरेंस। पेपर एनालिसिस और डाउट क्लियरेंस दोनों ऑलवेज अलग अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो भी बना पाता हूँ। ठीक, तो डाउट क्लियरेंस में देखिए हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है डाउट क्लियर करने का। देखिए, आपका वीक पॉइंट तो वीक अगर रह जाएगा तो आपका स्कोर कभी नहीं बढ़ने वाला, स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, उस पर तो आप स्कोर कर रहे हो, एंड में भी स्कोर करोगे अगर आप उसको थोड़ा निगलेक्ट कर दो, वीक पॉइंट नहीं करेक्ट किए तो आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। उसके बाद टीचर एंड गाइडेंस का रोल, कोई अगर सुपरवाइज कर रहा होता है ना, आपको हैमर कर रहा होता है, सबसे पहले तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मेरे लिए, मुझे उसके लिए कुछ करना है। तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए गाइड बन सकूँ नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स के लिए। तो आप प्लीज़ मतलब कोई ना कोई टीचर, मैं नहीं तो कोई ना कोई टीचर या किसी और को एक अपने ऊपर समझते हुए, उनसे गाइडेंस लेते हुए ना आप हार्डवर्क करो। इस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा, अभी तो बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ सबको, बहुत ज़्यादा ब्रीफली। एंड फिर वर्किंग ऑन द वीक टॉपिक्स, ठीक है, अगर आप वही बात हो गई डाउट क्लियर से रिलेटेड, ये आपको वीक टॉपिक्स पेपर एनालिसिस के बाद पता चल गया, आप डाउट क्लियर करो, वीक टॉपिक्स पे आपको खुद से वर्क करना पड़ेगा। आप वर्क नहीं करोगे तो आपको मालूम ही चलेगा किस एक्सटेंट तक वो आपको टॉपिक वीक, कितना स्कोर कर पाओगे। अगर टॉपिक वो अगर एंड तक वीक रह जा रहा है, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वो टॉपिक पे ज़्यादा फोकस ना करें एंड में, बाकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को मेंटेन करें। इस पर भी वीडियो बनाएंगे डिटेल में, ठीक, 2-3 वीडियो हो सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के इंडिविजुअली वीक टॉपिक्स के बारे में आपके लाइक कैसे डील करें, एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। उसके बाद लास्ट में ये सब चीज़ों को ना समअप करते हुए 3 मंथ स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। देखिए, ये तो बेसिक लेआउट था कि किन किन चीज़ों पर वीडियो बना रहा, अगर कुछ नया टॉपिक इमर्जिंग टॉपिक आप कमेंट करोगे नीचे, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक, चलिए, आज के वीडियो के लिए ये इतना ही हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं अभी 2 से 3 दिन में कोशिश करूँगा एक नया वीडियो ले आऊँ मोटिवेशन पे लेके। ठीक, एंड मैं ये भी कहूँगा यार कि देखिए मेरे वीडियो सारे अभी रॉ हैं, अनएडिटेड हैं, एंड मैं अभी तो मैं इनएक्सपीरियंस इसमें, तो
इसलिए मैं उतना एडिटिंग वेडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्योरली अपना जितना भी कंटेंट अनएडिटेड फॉर्म में रॉ फॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर दूँ शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू, ताकि आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो जाए। ये मेरे साइड से देखिए, ये सारे मेरे पर्सनल ओपिनियंस रहेंगे, आपको माइंड करने की जरूरत नहीं। अगर आपका कोई स्ट्रैटेजी आप डू फॉलो दैट, गो अहेड विद दैट, अगर आपको कॉन्फिडेंट है उस स्ट्रैटेजी को लेकर तो। और यार आप चाहो तो अगर कुछ पर्सनलाइज क्वेश्चन पूछना तो फेसबुक इंस्टाग्राम या कोरा पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं काफ़ी एक्टिव रह रहा हूँ इस दिन, कुछ दिनों के लिए नहीं था फैमिली फंक्शन और वो पढ़ाई को लेकर। अभी 12th को भी एग्जाम आने वाले हैं तो उसमें भी मैं थोड़ा बिजी हो सकता हूँ, तो बाकी मैं कोशिश करूँगा आपको कुछ भी पर्सनलाइज आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जितना सपोर्ट करोगे यार उतना अच्छा रहेगा, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करो सो दैट दे गेट टू नो कि हाँ यार कि उनको भी क्यों पढ़ाई करनी है, उनको नीड क्रैक करना क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब मैं अपने वीडियो में कन्वे कर रहा हूँ और उनको भी मालूम चले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।